with a message for me. I want to know what to address. ओके आई कैन सी क्वीन ऑफ वॉन्स, लेकिन मैं एक बार और निकालूंगी. क्या है, दो मिनट चुप हो जाओ, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्स जो है वो सेकेंड या थर्ड कार्ड था. शंट इफ यू वांट टू कनेक्ट वांट टू गिव अ मैसेज गिव मी क्लियर. ओके लेट्स सी. ओह क्वीन ऑफ वॉन्स, यस. ओके सो मैं कंफर्म इसलिए करती हूँ सो दैट हम मैसेज लें जो रेलेवेंट हो और जो आना हो. ऐसा ना हो कि मतलब मैसेज ना हो और मैं कार्ड जैसे ही निकाल लूँ, तो दैट इज़ वाई आई कन्फर्म विद हिम. सो यहाँ पर ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे थोड़ी सी एनर्जीज इस तरह की दिख रही हैं जहाँ पे समथिंग इज़ कमिंग टू लाइट. और वो जो हम बोल रहे थे ना कि सुशांत मैसेज दे रहे थे कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से रिलेटेड किसी पर्सन का अरेस्ट होने वाला है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सर्कमस्टांस जो है वो बहुत क्लोज आ गया है और दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी प्रेइंग. या हो सकता है किसी ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया हो, किसी ने अपने आप को एक जगह पर अलग बंद कर लिया हो, ऐसा कुछ जो है हमें न्यूज़ में देखने को मिले, सुनने को मिले. लेकिन ये ऑलरेडी उस तरह की एनर्जी में आ चुका है एक पर्सन एंड इट्स डेफिनेटली रिलेटेड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. एंड इफ़ यू सी यहाँ पर ऑलरेडी डेविल की एनर्जी है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ फायर, बर्निंग फायर एनर्जी जो डेविल की तरफ जा रही है. तो डेविल के पीछे एक तरफ किंग ऑफ कप्स है और डेविल के आगे पे जो वॉन्ड है. सो बेसिकली अथॉरिटीज दोनों तरफ से उनके साथ हैं और मतलब उसके अगेंस्ट हैं, उसके आसपास हैं और उसको कवर करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए या उसको कैप्चर करने के लिए. पर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि डेविल के पास अभी दो ऐसे हथियार हैं या दो ऐसे हॉस्टेजेस हैं या दो ऐसे इंफॉर्मेशन या कुछ है ऐसा जिसके कारण डेविल को डायरेक्टली कैप्चर नहीं किया जा पा रहा है या नहीं किया जा रहा है. बिकॉज इट लुक्स लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से ही ये एनर्जी जो है वो अगले लेवल तक जाएगी. और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है दैट प्रोबली दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड नेगेटिव किंग ऑफ सोर्ड्स, ये दो जो हैं ये किसी एक मेन पर्सन के अंडर हैं और ये जो मेन पर्सन है यहाँ तक पहुँचने के लिए इन दो को कैप्चर करना ज़रूरी है. एंड एक बहुत अच्छा जाल मैं बोलूँगी बिछाया जा रहा है जो इन दोनों को कैप्चर करने के लिए परफेक्ट है. और यहाँ पर किसी एक पर्सन को ऑलरेडी या तो नज़रबंद कर लिया गया है या सेक्लूड कर दिया गया है या अरेस्ट कर लिया गया है जो डायरेक्टली रिलेटेड है क्वीन ऑफ से. लेट्स सी, मैं एक कार्ड एनर्जी ओरेकल से निकालती हूँ एंड वी विल सी इफ वी हैव मोर मैसेजेस. क्या रहा, मुझे भी एक कार्ड निकालना. आराम से बैठ जाओ पहले. ओके सो लेट्स सी. सुशांत व्हाट मोर डू यू नीड टू नो. नहीं, व्हाट मोर डू यू नीड टू नो. चॉकलेट खाने. ओके सो हियर द गार्डन एंड द गेट और कॉर्नकोपिया की एनर्जी है ना. अब गार्डन एंड द 3 और 11 की एनर्जी है, टोटल 5 बनता है. गार्डन एंड द गेट की एनर्जी अगर आप देखें तो यहाँ पर एक गार्डन है, उसका गेट यहाँ पर है और गेट के ऊपर ना शायद लॉक लगा है और ये जो लड़की है इसको गेट से बाहर जाना है या गेट के बाहर ही उसी सब ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज, वाइट कलर की बटरफ्लाइज हैं, ट्रांसफॉर्मेशन. वो सोच रही है कि वो अपना सामान लेकर गेट के आगे जाए या ना जाए, लेकिन चाबी जो है उसके गले में ही है. सो द की टू द कॉर्नकोपिया बेसिकली इज द अबंडेंस और द जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, खजाना. खजाने की चाबी जो है वो मिल चुकी है और ये खजाना जो है ना इसमें बहुत सारी मुझे एनर्जी लग रही है जहाँ पे खजाने की चाबी जो है मिल चुकी है और वहाँ से बहुत कुछ निकलने वाला है. मतलब इतना बड़ा खजाना होगा जितना अभी तक, मतलब जो अभी तक निकला है ना, दैट इज़ गोइंग टू बी जस्ट लाइक अ चाइल्ड एनर्जी इन फ्रंट ऑफ जो निकलने वाला है. कियारा ने दो कार्ड्स निकाल के रखे हैं, वन इज़ होप एंड सेकेंड इज़ बिगिनिंग्स. और ये क्लियर इंडिकेशन है कि समझ लीजिए कि सूरज जो है वो उग ही रहा है, नया फेज जो है वो शुरू हो रहा है और नई बिगनिंग जो है ऑलरेडी शुरू हो चुकी है. तो फ्रेश एनर्जीज, नई बिगनिंग की एनर्जीज वो ऑलरेडी दोनों ही दिखाई दे रही हैं एंड योर होप्स आर गोइंग टू पे यू ऑफ और नई बिगनिंग्स जो है वो शुरू होने वाली हैं और ये मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी लग रही है. लेट्स सी शांत, इफ यू से एनीथिंग एल्स बट यू कैन जस्ट शो मी योर कार्ड. ओके लेट्स सी क्या आया है पहले. ओके सो 10 ऑफ सोर्ड्स, movement,
सीक्रेट्स बाहर आना और एम्प्रेस तक पहुंचने की एनर्जी भी है। तो मुझे ये डेफिनेटली एनर्जीज ऐसी लग रही हैं जहां पे किसी एक बहुत बड़े सीक्रेट पे ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है या अथॉरिटीज़ जो हैं वो बैठ चुकी हैं, उनके हाथ में आ चुका है और पूरी तैयारी जो है हो चुकी है कि कैसे मेन जो नेगेटिव एम्प्रेस है उसको अपने अंडर करना है या उसको कंट्रोल में लेना है। और मुझे लगता है दैट सम काइंड ऑफ ट्रैवल इज़ हैपनिंग इन रिलेशन टू दैट। तो जो भी इंफॉर्मेशन मिली है या जो भी चीज़ें मिली हैं वो सिर्फ नेशनल नहीं है, दे आर इंटरनेशनल, दे हैव इंटरनेशनल लिंक्स, और जो इंटरनेशनल लिंक्स हैं वहाँ से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जो एक्चुअली एम्प्रेस, नेगेटिव एम्प्रेस तक पहुँचेंगे एंड दैट इज़ वेन द एक्चुअल जस्टिस वी विल बी एबल टू सी। दैट्स एग्जैक्टली वेन असली जो जस्टिस है, असली जो जस्टिस की एनर्जी है वो आएगी और रियल जस्टिस जो है वो स्टार्ट होगा। क्योंकि अभी तक जो हो रहा है ना, दिस इज़ वेरी वेरी इनिशियल फेज ऑफ एक्चुअल जस्टिस, मतलब वो बहुत ज़्यादा इनिशियल फेज है, अभी बहुत पीछे हैं हम एक्चुअल जस्टिस के अभी, लेकिन वो इनिशियल स्टेप्स हैं या बोलते हैं की स्टेप्स हैं जो चढ़ के आप उस मेन मंजिल तक पहुंचोगे। एंड दिस इज़ ऑलरेडी सेइंग कि एक दोनों तरफ एक्शन हो रहा है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड और नेगेटिव किंग ऑफ सोर्ड्स की तरफ भी एक्शन हो रहा है और नेगेटिव एम्प्रेस की तरफ भी एक्शन हो रहा है। पर जो नेगेटिव एम्प्रेस है उसके लिंक्स जो हैं वो इंडिया के बाहर जुड़े हुए हैं और वहाँ से इन्फॉर्मेशन आकर इंडिया के अंदर इन्फॉर्मेशन आएगी, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आकर इंडिया में फ्लो होगी और उसके बाद उसको कंट्रोल में लिया जाएगा। और जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है उसके ऑलरेडी एक पर्सन जो है वो नजरबंद हो चुका है और वहां से इन्फॉर्मेशन निकलेगी तो वो उन दोनों तक पहुंचाएगी। दैट इज हाउ आई सी दिस। और ये डेफिनेटली क्वीन ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली एक्शन एनर्जी है और एक्शंस जो है शुरू हो चुके हैं और आई थिंक एजेंसीज फुल स्विंग में है इस टाइम पे। सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।